देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखिए वी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पलवल पुलिस के हाथों उस समय बड़ी कामयाबी लगी जब पुलिस की स्पेशल डिटेक्टिव सेल ने 5,000 के इनामी व अदालत से भगोड़ा करार आरोपी को शहर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के कई आरोपों में पिछले 14 वर्षों से फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पलवल भवनकुंड चौकी इंचार्ज SI संजय कुमार ने बताया कि डिटेक्टिव सेल इंचार्ज विश्व गौरव को मुखबिर से खास सूचना मिली थी कि 5,000 का इनामी बदमाश हुड्डा सेक्टर 2 के समीप मौजूद है और कहीं बाहर जाने की फिराक में है। आरोपी अदालत से भगोड़ा भी करार हुआ था। सूचना मिलते ही हवलदार अजीत के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और आरोपी को मौके से काबू कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी का नाम मकसूद अहमद निवासी मेहवात बताया गया है। आरोपी मकसूद अहमद वर्ष 2006 में दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी पाया गया था, जिसका मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन आरोपी तय समय के अनुसार अदालत में पेश नहीं हो रहा था, जिसके चलते आरोपी को अदालत ने भगोड़ा करार दिया हुआ था और उस पर 5,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। इस आरोपी का नाम मकसूद अहमद है। ये पुनाना की तरफ के मेवात के रहने वाला है और 2006 में इसके खिलाफ थाना शहर पलवल में ही रेप के धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये काफ़ी दिनों से भगोड़ा था और कल पुलिस डिटेक्टिव स्टाफ पुलिस ने हमारी में सेक्टर 2 से इसको गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ PO की कार्रवाई के संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आज इसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा आज आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। पलवल से वी न्यूज के लिए संजय राठौर की रिपोर्ट।